आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घेवर। घेवर हम इसलिए बना रहे भाई क्योंकि बच्चा अगर मामा आने में लेट हो जा तो बच्चा ने घेवर खुआ दे इतने, और मामा ने भी खुआ देंगे आओगा जब। आइए तो रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। ये गाय का दूध है। गाय का दूध तो फुल फैट का या टोंड का सब बराबर होता है। अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पर इसकी रबड़ी बनाएंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। एक साइड तो रबड़ी बन रही है और दूसरी साइड हम चाशनी बना लेते हैं क्योंकि चाशनी भी ठंडी होगी तभी घेवर पे गिरेगी। और 1 कप हमने चीनी ली थी और 1/2 कप ले लेंगे हम पानी। और हमें ये चाशनी जो है वो 1 तार की चाशनी बनानी है। और ये देखिए एक साइड में एक कढ़ाई के ऊपर जो हम ये मलाई जमती जा रही है इसको हम उतार उतार के दूध में डालते रहेंगे। अब डाल देंगे भाई हम चाशनी में 1/2 नींबू का रस, जिससे कि चाशनी जब हम घेवर पे डालेंगे तो क्रिस्टलाइज ना हो उसके लिए हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे। और 1 तार की चाशनी बन चुकी है ये। अब इसमें डाल देंगे 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और 1 पिंच डालेंगे इसके अंदर हम फूड कलर, येलो फूड कलर डाल रहे हैं। चीनी डालने से थोड़ी पतली होएगी हमारी रबड़ी। कोई बात नहीं, हम 2-4 मिनट और चला लेंगे इसके नीचे गैस, और फिर उसके बाद ये हो जाएगी गाढ़ी। और भी ठंडी होने के बाद तो ऑलरेडी ये गाढ़ी होनी ही है, तो इसलिए हम थोड़ी सी देर गैस चलाएंगे चीनी, जिससे कि इसके अंदर सारी घुल जाए। ये देखिए रबड़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसके अंदर 3-4 मिनट इसके नीचे गैस और चला दी है। गैस फ्लेम कर देंगे हम बंद और अब घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भाई घेवर की बारी आ गई है। घेवर के लिए हम ले लेंगे 4 चम्मच घी। मिक्सी जार में हम इसका बैटर बनाएंगे। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम 4-5 आइस क्यूब। और इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए भाई घी हमारा जो बिल्कुल पत्थर बन गया है, एकदम टाइट बर्फ में पिस के, और थोड़ा क्रीमी क्रीमी लग रहा है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम दूध। इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप दूध और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। दूध और जो घी था वो हमने पीस दिया है। और ये ऐसे हो गया जैसे मक्खन नहीं होता उसकी तरह हो गया, जैसे दूध अलग हो गया और मक्खन अलग हो गया। अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे और इसी के अंदर बैटर तैयार करेंगे। इससे हमारी थोड़ी ज़्यादा देर की जो मेहनत होती है ना बैटर बनाने में वो थोड़ी कम हो जाएगी। हम मिक्सी में ही बैटर बनाएंगे। मैदा भाई हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, 2-2 चम्मच, एक साथ सारी मैदा नहीं डालेंगे। और अब इसके अंदर पानी डाल देंगे। और पानी एक बात ध्यान रहे, पानी बिल्कुल ठंडा डालना, हमें गर्म पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। 2 चम्मच मैदा डाल देंगे। अब भाई हम 2 चम्मच मैदा और डाल देंगे। हमें पूरी 1 कप मैदा लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी है, 1 कप मैदा ली। और मैंने थोड़ी थोड़ी करके मिक्स की है इसके अंदर, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए और कोई लम्स ना बची हुई मैदा, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने 1 कप मैदा ली थी वो सारी थोड़ी थोड़ी डाल के मैंने पीस दी है। और 1/4 कप से थोड़ी सी कम इसके अंदर हम डाल देंगे बेसन, और इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर बन के तैयार हो चुका है। हमें ये देखो ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी। देखो ये बैटर कितना ठंडा है, ये बार इसके पसीने आ रही हैं, तो इसी हिसाब से रखना, बिल्कुल चिल्ड बनना चाहिए आपका। और ये कंसिस्टेंसी रखनी भाई इतनी पतली जो ऊपर से यूं धारे की तरिया पड़े। देखिए भाई मैंने एक बड़े से कटोरे में बर्फ ले ली है और उसके ऊपर रखेंगे हम अपने पतीले को, क्योंकि हमने ये गर्म नहीं होने देना, बिल्कुल ठंडा ठंडा ही हम कढ़ाई में डाल लेंगे। देखिए और बनाने खातर ले लेंगे हमें किसी बोतल, जिसमें मैंने कर दिया है 1 छेद, और नहीं तो वो जो सॉस की बोतल आती है ना वो भी ले सकते हैं, मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैंने एक ऐसी बोतल ले ली। इसमें कर दिया 6, इसके अंदर हम बैटर भरेंगे। मैं बनाऊंगी पतीले में घेवर, और मैंने ले लिया पतीले में 1/2 से थोड़ा कम घी, 1/2 पतीले से थोड़ा सा कम घी है। और देसी घी लिया है, ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन घेवर देसी घी में ही अच्छा लगता है भाई, मिठाई है घी में बनानी चाहिए। तेल हो गया गर्म और सावन भी आज से शुरू हो गया, बारिश भी बाढ़ शुरू होगी, रिब घेवर बनाना भी शुरू कर देते हैं। लेके भूलेगा ना
आपको बिल्कुल आराम आराम से बैटर डालना है। जैसे ही ये झाग हट जाए और जाली दिखने लग जाए तो आप इसके अंदर फिर से बैटर डालिए। बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से बैटर डालना है। फिर अच्छे से जाली बनेगी और अच्छे से ही पकेगा। अगर आप एक ही बारी में सारा बैटर डाल दोगे तो नीचे से चिपका चिपका हो जाएगा। डाल देंगे और चप्पू से एक बार इसके किनारे अलग कर लेते हैं धीरे धीरे इस तरीके से। थोड़ा एक घेवर हो चुका है रेडी, अब दूसरे की बारी है। अब ये देखो भाई, जब ये सेटल हो जाएगी बबल्स, ये हो रहे हैं सेटल और यहाँ पे आपको इसका होल दिख रहा होगा। और अब ये डाली मम्मी, ये डाल दिया, उस होल में ही डालना है। आप इसको मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकते हो कि भाई आपको कितना मोटा मोटा रखना है तो भी बैटर बार में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो, थोड़ी ज़्यादा बार, और पतला रखना है तो भाई कम डाल दो। पर इतना है कि 15 बार या 16 बार तो आपको डालना ही पड़ेगा पतले के लिए। यूँ देख लो साइडों से इसको छुड़ा देना है और ये फिर अब फ्राई होएगा अच्छे से घी के अंदर। एक बार और घी को गर्म करेंगे और भाई फिर बनाते हैं और घेवर बनाते हैं। बैटर तो पूरा खत्म करना ही है। बन के होने वाला है रेडी, फिर उसके बाद आएगी चौथे की बारी। देखिए घेवर बन के तैयार हो गया और कितनी अच्छी जाली बनी है तीनों घेवरों के। और बाकी किचन में रखे हैं हम आपको यही दिखा रहे हैं जिनको एक बार डेकोरेट करेंगे। अब पहले इन पर डाल देंगे हम शुगर सिरप, जो हमने एक ताल की चाशनी बना के रखी है ना वो इनके ऊपर डाल देंगे। मीठे तो करने पड़ेंगे क्योंकि मिठाई तो मीठी हो गया, अगर खट्टी तो होती ये बेशक मामा आने में लेट हो जा घेवर गया बन बाड़ता करके। अब इसके ऊपर डाल देंगे जो रबड़ी हमने बनाई थी वो पूरे घेवर पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। फिर इस पे हमने जो थी वो रबड़ी वो स्प्रेड कर दी। अब इसके ऊपर डाल देंगे पिस्ता, इसको डेकोरेट कर देंगे पिस्ते से। पिस्ता भी है और ये चिरौंजी है। बिल्कुल रेडी हो गया है, एक नंबर का घेवर लग गया कति, एक नंबर। और अब बिल्कुल लास्ट रह गई है, थोड़ी सी इसके अंदर इसके ऊपर डाल देंगे हम फिर से। अब आते हैं हम टिप्स पे। सबसे पहली टिप है बैटर आपका ठंडा होना चाहिए और घी बिल्कुल आपका गर्म होना चाहिए, ठीक है। और भाई जब आपका घेवर बन जाता है तो भाई उसको 3-4 घंटे के लिए रख दो, उसके बाद आप खाना, फिर वो बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट देगा। तो फाइनली अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब तो भाई ज़रूर कर देना।